प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहां पे अब हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 2021 का जो है पेपर का सॉल्यूशन जो है हम लोग देख रहे थे। तो आज का क्वेश्चन है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन थ्री मेजर्स डैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्लीमेंट टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट डैट इन्हेंस क्रिएटिविटी। वो कौन कौन से तीन मेजर्स हैं, है ना, मतलब मेजरमेंट हैं जिसके कारण से किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो क्रिएटिविटी जो का इन्वायरमेंट जो होता है वो इम्प्लीमेंट करके एक नया क्रिएटिविटी को क्या किया जाता है, इन्हेंस किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो उसी के बारे में बताना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपका क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने के लिए जो मेजर्स है वो है आपका इनकरेज ओपन कम्युनिकेशंस एंड कोलेबोरेशंस, है ना। वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे, ये एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट डैट इन्हेंस क्रिएटिविटी, ताकि क्रिएटिविटी को क्या किया जा सके, इन्हेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। देखो, अगर आप कम्युनिकेशन ओपनली करोगे, कोलैबोरेशन करोगे, हर किसी के साथ मिलकर काम करोगे, एक टीम बनाकर काम करोगे, तो आपको जो है अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच रहेगा। जब लोगों की अलग अलग सोचें रहेंगी तो ऑब्वियसली वहाँ से जो है अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, और जब अलग अलग आइडियाज़ आएंगे तो क्रिएटिव माइंड जो है ऑटोमेटिकली जो है क्या होगा, ट्रिगर्ड हो जाएगा। दिस कैन बी डन बाय क्रिएटिंग अ कल्चर डैट प्रमोट्स शेयर आइडियाज़ एंड फीडबैक एंड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़ टू वर्क टुगेदर एन प्रोजेक्ट। किसी भी एक प्रोजेक्ट पे एक साथ काम जब करते हैं तो आइडियाज़ का क्या होता है, प्रमोट्स होते हैं। एक आइडियाज़ मेरा है, एक आइडियाज़ आपका है, तो दो आइडियाज़ मिल गए, दो आइडियाज़ मिलकर एक नया आइडियाज़ जो है क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। बाई इनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशंस एंड कोलेबोरेशंस यू कैन हेल्प क्रिएट एन इन्वायरमेंट वेयर इंडिविजुअल फील्स फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड वर्क टुगेदर टू जनरेट न्यू आइडियाज़। आप जो है न्यू आइडियाज़ जनरेट कर सकें। बाई इनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड कोलेबोरेशंस यू कैन हेल्प क्रिएट एन इन्वायरमेंट वेयर इंडिविजुअल फील फ्री टू एक्सप्रेस themselves and work together to generate new ideas। Obviously जो मैंने बताया वह चीज़ यहाँ पर जो है बोला गया है। उसके बाद है आपका provide resources and tools। Providing resources and tools to employees can also help create an environment that enhance creativity। This can include access to training programs, research materials, software applications and other resources that can help employees to learn new skills and develop innovative solutions। By providing employees with the resources and tools they need to succeed, you can help foster a culture of creativity and innovations within your organization। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जब कोई भी employee होता है उसको tools और resources provide करते हैं ताकि वो नए programs में participate कर नए नए चीज़ों को जो है सीख सके, तो उस कंडीशन में जो है उसके अंदर एक नए इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है जनरेट होते हैं, ड्यू टू वो क्योंकि वो नए स्किल्स को सीखा है, और नए स्किल्स को जब सीखा है तो वो अलग तरीके से काम करना चाहेगा, और जब नए तरीके से काम करेगा तो डेफिनेटली जो है कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी और इनोवेशन जो है क्या होगा, डेवलप होगा। उसके बाद आता है फोस्टर अ कल्चर ऑफ रिस्क taking and in experimentations। Finally, it is important to roster a culture of risk taking and experimentations within your organization। हमेशा organization में experiment करना कि नए नए चीज़ों, नए नए creativity को, ताकि जो employees है वो encourage रह सके, मतलब वो motivated रह सके, क्योंकि उसके पास एक ही repeated काम करने का जो है सिर्फ नहीं मिल रहा है, उसे नई नई चीज़ों को भी जो है करने की क्या हो रही है, एक्सपीरियंस हो रही है,
जिससे उसे जो है इंटरेस्ट भी जो है एम्प्लॉय को आता है कि हाँ नहीं कुछ अलग और नया काम जो है हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एनालिसिस थ्रू SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस के अनुसार के थ्रू कैसे सेल्फ एनालिसिस किया जाता है उसके प्रोसेस को जो है यहाँ पे बताना है। देखो बात किया जाए SWOT एनालिसिस की, तो SWOT एनालिसिस जो है वो वाइडली यूज किए जाते हैं टूल्स फॉर सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस टूल्स के लिए जो है ये वाइडली यूज किया जाता है एंड पर्सनल डेवलपमेंट, और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इट इज़ एक्रोनिम फॉर स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जो SWOT एनालिसिस है तो SWOT एनालिसिस में SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एनालिसिस थ्रू SWOT एनालिसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। कई सारे स्टेप्स जो है यहाँ पे मेज़र किए जाते हैं, लिए जाते हैं किसमें, तो SWOT एनालिसिस के थ्रू जब सेल्फ एनालिसिस किया जाता है तब। तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहला प्रोसेस है आपका सेल्फ एनालिसिस थ्रू SWOT एनालिसिस का, वो है कि आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, आपकी क्या स्ट्रेंथ है उसे आइडेंटिफाई करना। ठीक है, स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ विच आर द एरिया वेयर यू आर एक्सेल और हैव एन एडवांटेज। दिस कैन इंक्लूड स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, पर्सनैलिटी, ट्रेड्स और अदर क्वालिटीज डैट यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स। कंसिडर वाट मेक योर यूनिक एंड वाट यू ब्रिंग टू टेबल। यानी सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेंथ को देखना है कि आप किस चीज़ में बेहतर कर सकते हो, जिस फील्ड में, जिस स्किल्स में आप बेहतर हो, उस स्किल्स को इस तरीके से उसको ग्रैब करो कि उस पर कोई आपको हरा नहीं सकता है। उस स्किल्स में अगर कोई आपके सामने आ भी जाए तो आप उसको धूल मिटा दो, वो आपको धूल न कर पाए, है ना, मतलब वो आपको ना हरा पाए, आप उसको हरा दो। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आपने वीकनेसेस को रिकॉग्नाइज करो कि भाई आपका वीकनेसेस कौन कौन सा है, कौन कौन से फील्ड जो है वो आपका कमज़ोर है, और उस फील्ड को आप क्या कर सको, इम्प्रूव करो, उस एरिया को इम्प्रूव करो। और वी ऑनेस्टली, मतलब ईमानदारी पूर्वक, ये नहीं कि ये एरिया मेरा कमज़ोर है तो बस ऊपर से दिखा दिए कि अच्छा ये मेरा कमज़ोर था, मैं इसको ऐसे किया और ये मेरा एरिया मजबूत हो गया, नहीं, एकदम ऑनेस्टली कि भाई, ताकि उस एरिया में अगर कोई वार करे तो आप उसको ऐसा उल्टा वार करो कि उसे आप सह सको, उसको कंप्लीट कर सको। उसके बाद आपको आप अपॉर्चुनिटीज़ की ओर क्या करना होगा, देखना होगा, यानी आफ्टर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ डैट यू कैन लीवरेज टू योर एडवांटेज। दिस कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, नेटवर्किंग इवेंट्स, पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड अदर एनी अपॉर्चुनिटीज़ डैट कैन हेल्प यू अचीव योर गोल, है ना, वैसा अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपने गोल सेट किया है उस गोल को प्राप्त करने में आपको मदद कर सके, उस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको सर्च करना है। और जैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को यूज करो और उस अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त कर लो। उसके बाद है आइडेंटिफाई थ्रेट्स। जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि भाई आप किस चीज़ से डरते हो, है ना, आप कौन से एरिया में आपकी जो है डर है ना, मतलब ये फाइनली आइडेंटिफाई एनी थ्रेट्स डैट मे पोज अ रिस्क टू योर सक्सेस, मतलब कौन कौन से वैसी मुसीबतें आ सकती है जो आपको लगता है कि अगर ये आया मेरे जीवन में तो आपका जो सफलता है वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, आप असफलता की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो जैसे ही आपकी जो डर है वो कम ख़त्म होगा, आप अपने गोल को क्या कर लोगे, अचीव कर लोगे। जैसे ही आपने थ्रेड्स को अचीव कर लिए, मतलब देख लिए, करेक्टिफाई कर लिए, है ना, उसके बाद
आपको जो है एक एक्शन प्लान क्या करना है, डेवलप करना है। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर SWOT एनालिसिस, यूज द इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर्ड टू क्रिएट एन एक्शन प्लान। आपको एक एक्शन प्लान करना बनाना है। दिस एक्शन प्लान शुड फोकस ऑन लेवरेजिंग योर स्ट्रेंथ, एड्रेसिंग योर वीकनेसेस, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड मिटिगेशन थ्रेट्स। इट शुड इंक्लूड स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स एंड टाइमलाइंस फॉर अचीविंग देम। है ना, कई सारे टाइमलाइंस है, जिस मतलब टाइमलाइंस का मतलब एक डेट बना देते हैं, टाइमिंग दे देते हैं कि भाई 18 तारीख को ये करना है, 20 तारीख को ये करना है, 22 तारीख को ये करना है, 25 तारीख को ये करना है। इस तरीके से एक टाइमलाइन सेट कर देंगे। और मेजरेबल गोल, जिसको हम लोग मेजर कर सके कि हाँ भाई इतने दिनों में इसको अचीव करना है, इतने दिनों में ये अचीव नहीं हुआ तो इसको हटा देंगे, दूसरा गोल हम लोग सेट करें। मतलब एक मेजरेबल गोल हो कि हाँ इतना दिन में ये जो है मैंने अचीव किया है। उसके बाद आता है आपका राइट अ नोट ऑन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यूजिंग एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशंस को एग्जांपल लेते हुए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को क्या करना है उसके बारे में बताना है। आउट ऑफ थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा सोचना जो कि कन्वेंशनल सॉल्यूशन से थोड़ा हटकर हो, है ना, जो भी कन्वेंशनल चीज़ें हैं उससे थोड़ा हटकर हो तो उसको जो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ थॉट एंड जनरेटिंग न्यूज और इनोवेटिव आइडियाज़। एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए रियल लाइफ सिचुएशन से तो नेटफ्लिक्स जो है एक ग्रेट एग्जांपल है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ रेंटिंग DVDs, नेटफ्लिक्स इंट्रोड्यूस अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस डेट अलाउ कस्टमर्स टू स्ट्रीम मूवीज एंड TV शोज ऑनलाइन। है ना, ताकि आप TV शोज और मूवीज़ को जो है क्या कर सके, ऑनलाइन देख सकें। दिस इनोवेशन रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कंज्यूम एंटरटेनमेंट एंड पेव्ड द वे फॉर अदर स्ट्रीमिंग सर्विसेज को क्या कर सके, पेव्ड कर सके। मतलब नेटफ्लिक्स जो है एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का क्या है, एग्जांपल है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है आपका डाइसन। डाइसन जो है एक कंपनी है जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है आपका के लिए जाना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स होता है डाइसन वैक्यूम क्लीनर, जो कि ट्रेडिशनल जो बैग और फिल्टर जो होता है यूज किए जाते हैं उसके जगह पे जो है डाइसन वैक्यूम यूजेस साइक्लोन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक सेपरेट डर्ट एंड डस्ट को फ्रॉम एयर को जो है क्या करता है, सेपरेट करता है। दिस इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हैज़ मेड डाइसन अ लीड इन वैक्यूम क्लीनर इंडस्ट्री। वैक्यूम क्लीनर इंडस्ट्री में एक लीडिंग के तौर पे जो है यहाँ पे क्या हुआ, जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वहाँ पे किया गया। उसके अलावा है टेस्ला। टेस्ला कंपनी भी जो है ये कई सारे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो है ट्रांसपोर्टेशन में करते आ रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल गैसोलीन इंजन था। टेस्ला जो है डेवलप किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और ऑफर सुपीरियर परफॉर्मेंस, और इसका परफॉर्मेंस भी जो है अच्छा है। ये भी जो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का क्या है, एग्जांपल है। उसके बाद है आपका एयर बनब कंपनी जो है ये डिस्टर्ब करता है होटल इंडस्ट्रीज़ को बाय अलाउइंग इंडिविजुअल टू रेंट आउट देयर होम्स और अपार्टमेंट टू ट्रैवलर। ट्रैवलर को जो है क्या करता है, घर प्रोवाइड करने का। इसी के बेस पे आपका जो है योयो जो आपका जो इंडिया में चल रहा है ना, वो इसी के बेस पे आपका जो है वर्क करता है। तो इस तरीके से कई सारे एग्जांपल हैं रियल वर्ल्ड से जो कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का जो है रिजल्ट आपका रहा है। उसके अलावा रहा है वार्बी पार्कर जो है कंपनी है डैट हैज़ डिस्ट्रप्ट द आईवियर इंडस्ट्रीज़ को जो है ये करता है, स्टाइलिश ग्लास को जो है ऑनलाइन सेल करता है और इसे लोग पसंद भी करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो है जाओ मार्केट, जाओ खरीदो, उसको एक देखो,
और उसके बाद कम होता था, बट यहाँ पे जो है वैसा कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन देखे, उसको अच्छा लगा, बस मार दिए, परचेज कर लिए, आ गया आपके घर पे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सभी जो जितने भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, नए नए जनरेशन हो रहे हैं, वो सारे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो है आपका यहाँ पे होता है। आई होप कि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आई हो।